हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है समर फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर है, क्योंकि अभी सर्दियां जो है जाने ही वाली हैं और गर्मियां थोड़ी थोड़ी आने वाली हैं। तो इस समय जो है बेस्ट टाइम होता है गर्मियों के प्लांट लगाने का। जो जो आपके पास ना हो तो कुछ परमानेंट प्लांट आप इस समय नर्सरी से ले सकते हैं। तो मैं आज आपसे कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जो कम प्राइस में आपको मिलेंगे, कम केयर में भी चलेंगे तो परमानेंट भी होंगे। तो इस तरह के प्लांट मेरे पास बहुत सारे हैं, कुछ मैंने नए भी खरीदे हैं, तो वो सभी आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला प्लांट है, देखिए, टिकोमा। टिकोमा एक परमानेंट प्लांट होता है जो मार्च से लेके इसकी फ्लावरिंग जो है नवंबर तक चलती है, और सर्दियों में भी ये बना रहता है। और देखिए, ये ऑरेंज कलर है, इसमें आपको पीला रंग या जो पिंक कलर है वो भी मिल जाएगा। इसमें आपको दो तीन कलर और मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छे से ये फ्लावरिंग करता है। इसको 2-3 घंटे की, 4 घंटे की धूप में रखिए, वेल ट्रेन मिट्टी में ग्रो करिए। अगर आपके पास पुराना प्लांट है इस समय इसको रिपोर्ट करिए, अच्छे से फर्टिलाइजर दे दीजिए और जरूरत पड़ने पर पानी दे दीजिए। तो ये पूरी गर्मी आपको फ्लावरिंग देता रहेगा और नर्सरी पर आपको ये मिल जाएगा 60-70 रुपये का। नेक्स्ट प्लांट है जो आपको बहुत ही कम प्राइस में मिलता है और बहुत सारे अलग अलग रंगों में भी मिलता है। इस समय अगर आपको इसके सीड मिलते हैं तो इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और नर्सरी पर अगले मंथ तक, जैसे मार्च है तो अप्रैल मंथ तक की इसके जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं या सीडलिंग होती है वो भी नर्सरी पर मिलना शुरू हो जाती है। तो अगर आप सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो ये अच्छा टाइम है इस समय मार्च में। और अगर आप सीडलिंग लेना चाहते हैं, जो प्लांट ही लेना चाहते हैं, तो मार्च एंड में अप्रैल में इसके प्लांट नर्सरी पर मिलना शुरू हो जाते हैं। देसी और हाइब्रिड दोनों तरह के प्लांट होते हैं और हाइब्रिड में आपको बहुत सारे अलग अलग रंग मिल जाते हैं। और इसके प्राइस की बात करूँ तो ये आपको मिल जाएगा नर्सरी पर, छोटा प्लांट 5-10 रुपए का और थोड़ा सा बड़ा होगा तो 20 रुपए तक आसानी से ये मिल जाता है। नेक्स्ट प्लांट है जिसको आप इस समय अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, तो ये है कोलियस। कोलियस देखिए, इसमें फूल भी खिलते हैं मगर इसके जो कलरफुल खूबसूरत से पत्ते होते हैं वो फूलों से कम नहीं होते हैं। तो इस समय आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं नर्सरी पर। इसके प्राइस की बात करो तो ये प्लांट आपको 25-30 रुपए में मिल जाएगा। और देखिए, मेरे पास भी 5-6 अलग अलग कलर के जो हैं कोलियस के प्लांट हैं, तो ये मुझे 30-30 रुपए या 20-20 रुपए में ही मिले हुए हैं। और इनको 2-3 घंटे की धूप के अलावा बाकी समय छाया में ही रखना चाहिए। नेक्स्ट प्लांट ये मैंने नया ही लिया है और मैंने इसका वीडियो भी शेयर किया था 2-3 दिन पहले। तो देखिए, ये है एक ब्लीडिंग हर्ट प्लांट कह सकते हैं, बाइन कह सकते हैं। कटिंग प्रूनिंग करके अगर आप इसको गमले में लगाते हैं तो इसको आप कटिंग प्रूनिंग करके एक बुशी प्लांट के रूप में भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने देखिए इसको जमीन में लगा दिया है, तो ये छोटे से पॉलीबैग में लगा हुआ मुझे मिला था और इसका प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे 60 रुपये का मिला था। और बहुत ही खूबसूरत से फूलों वाला ये प्लांट होता है और इसको जमीन में लगाओ, गमले में लगाओ, दोनों जगह अच्छे से चलता है और इसको आप ले सकते हैं इसमें समय। और ये जो प्लांट है परमानेंट होता है, तो इसको भी चाहे तो नर्सरी पर आपको मिले तो ले सकते हैं। परमानेंट प्लांट 50-60 रुपए का आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्लांट जो आप इस समय अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जो आपको कम प्राइस में भी मिलेगा और परमानेंटली हमारे गार्डन में बना भी रहता है और साथ में इसमें साल भर फ्लावरिंग होती है, तो ये होता है हाइब्रिड हिबिस्कस। हाइट में ये छोटा ही रहता है और फूल तो इसमें बहुत सारे खिलते हैं और हर मौसम में खिलते हैं। इसको बहुत ज्यादा धूप की भी जरूरत नहीं होती है, 2-3 घंटे की, और दिन भर अच्छी ब्राइट लाइट में रखिए, वेल ड्रेन मिट्टी में ग्रो करिए। तो ये प्लांट आपको नर्सरी पर 50-60 रुपए का मिल जाएगा और इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग रंग भी मिलते हैं। कहीं नर्सरी पर ये सस्ता भी मिलता है, कहीं थोड़ा सा महंगा भी मिल सकता है, तो मगर ये भी एक अच्छा प्लांट है और इसमें हर मौसम में फूल आते हैं। तो वेल ड्रेन मिट्टी में ग्रो करना है, जरूरत पड़ने पर ही पानी देना है, ज्यादा पानी भी नहीं देना है, तो ये अच्छे से चलता रहता है। नेक्स्ट प्लांट है देखिए, ये चांदनी का। चांदनी ये डबल पेटल वाली चांदनी है। तो चांदनी के भी जो प्लांट होते हैं, चाहे सिंगल चांदनी हो, डबल चांदनी हो, चाहे मिनी चांदनी हो, तो उनके जो प्राइस हैं 50-60 रुपए ही रहते हैं। तो ये भी जो एक तो ये परमानेंट प्लांट होते हैं, साथ में जो है इनमें गर्मियों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है और थोड़ी थोड़ी इनमें खुशबू भी होती है। तो देखिए, ये है मिनी चांदनी। तो ये मिनी चांदनी वाला प्लांट जो है मैंने गमले में लगाया हुआ है और ये भी मुझे 50-60 रुपए का ही मिला था, पिछले साल मैंने लिया था इसको। तो ये जो मिनी चांदनी और डबल चांदनी, सिंगल चांदनी, ये
जो प्लांट होते हैं 50-60 रुपए के ही मिलते हैं, और परमानेंट प्लांट होते हैं। पूरी गर्मियां मार्च से लेके इनमें फ्लावरिंग जो है नवंबर दिसंबर तक होती है। नेक्स्ट प्लांट है जिसको आप ले सकते हैं कम प्राइस में, और ये भी परमानेंट प्लांट है। इसको जूही या यास्मीन बोलते हैं। कुछ मोगरा की तरह ही होता है ये प्लांट। उसके डबल पेटल में होते हैं, इसके सिंगल पेटल में, और इसकी कलियां देखिए कलरफुल होती हैं। और ये भी प्लांट परमानेंट होता है, और ये 50 रुपये का मुझे मिला है। और देखिए ये लाल मिट्टी में लगा हुआ है। और मेरे से किसी ने पूछा था कि लाल मिट्टी में जब प्लांट लगे होते हैं तो उनका क्या करना होता है। लाल मिट्टी को निकाल देना होता है। थोड़ी बहुत आप निकाल सकते हैं, मगर ज़्यादा मिट्टी निकालेंगे तो प्लांट ख़राब हो जाता है। तो आप गमले में लगा रहे हैं तो आप इसको वेल ड्रेन मिट्टी में लगाइए। ऊपर से थोड़ी सी निकाल सकते हैं, मगर ज़्यादा रूट को डिस्टर्ब नहीं करना होता है। मैंने देखिए इसको ज़मीन में लगाया हुआ है, तो थोड़ी बहुत मिट्टी मैंने भी निकाली थी, मगर ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना होता है। तो फिर ये अच्छे से चलते रहते हैं प्लांट, और ये भी सस्ता ही आपको मिलेगा और ले सकते हैं। और पूरी गर्मियाँ ये प्लांट फ्लावरिंग करता है। नेक्स्ट प्लांट देखिए, ये है नाइट जास्मिन। ये भी जास्मिन की ही एक टाइप है, रात की रानी भी बोलते हैं इसको। और इसके भी फूलों में बहुत ही अच्छी सी खुशबू होती है, और ये भी प्लांट बहुत ही कम प्राइस में मिलता है। परमानेंट होता है ये, और बहुत सारे फूल एक साथ खिलते हैं। इसको ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आपको प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 50 रुपये तक नर्सरी पर मिल जाएगा। मैंने देखिए जब लिया था मुझे इतने का ही मिला था ये, और ये ज़्यादा महंगा नहीं होता है। और इसको 2-3 घंटे की धूप में आप रखिए, बाकी समय अच्छी ब्राइट लाइट सेमी शेड एरिया में रखिए, फिर ये अच्छे से फ्लावरिंग करता है। नहीं है तो इस समय ले सकते हैं। अगर आपके पास ये प्लांट है तो इस समय आप इसको रिपॉट करिए, इसको अच्छे से फर्टिलाइजर दे दीजिए, फूलों के लिए इसको रेडी करिए। प्लांट है जो परमानेंट है, और इसके फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं, और बंच में खिलते हैं। पूरा एक बंच बनता है इसके फूलों का, और डिफरेंट कलर में ये मिलने वाला प्लांट होता है एक्जोरा। ये भी परमानेंट प्लांट है, और ये भी प्लांट जो है आपको 50-60 से लेके 100 रुपये तक मिल जाएगा नर्सरी पर। और इसमें ये लाल कलर है, इसमें लाल के अलावा पिंक कलर है, वाइट कलर है, येलो कलर है। इस तरीके से इसमें भी बहुत सारे आपको कलर जो है देखने को मिल जाते हैं। इसको रुक्मणी भी बोलते हैं। इसको भी बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, और ख़ास बात ये होती है कि इसको वेल ड्रेन मिट्टी में ग्रो करना है। इसको थोड़ी एसिडिक सॉइल पसंद होती है, तो उसके लिए आप गोबर खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके जो फूल हैं जब खिल जाएं तो आप थोड़ा सा इसको सेमी शेड एरिया में रखिए, तो फिर इसके जो फूल हैं वो भी लंबे समय तक प्लांट पे खिले रहते हैं। इस प्लांट है जो बहुत ही कम केयर में चलता है, और परमानेंटली हमारे गार्डन में बना रहता है, और 50 रुपये तक ये मिल जाएगा आपको। देखिए इसमें छोटे बड़े फूलों वाले प्लांट मिलते हैं, इसमें रेड के अलावा वाइट कलर, पिंक कलर, इसमें भी आजकल बहुत सारे कलर मिलते हैं। इसको जूफोरबिया मिली बोलते हैं। जूफोरबिया मिली हर जो है मौसम में फूल देने वाला, हर सीजन में फूल देने वाला एक प्लांट होता है। तो मैं देखिए अभी जैसे मार्च मंथ है, तो मेरे जो जूफोरबिया मिली के प्लांट हैं बहुत सारे मैंने कटिंग से भी रेडी किए हैं, कुछ मैंने खरीदे हैं, तो सभी में जो है इस समय बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। नेक्स्ट प्लांट है जो आपको बहुत कम प्राइस में मिलेगा, और इस समय आप इसको लगा सकते हैं, और ये रेन लिली का प्लांट है। तो मेरे से किसी ने पूछा था कि मेरे रेन लिली के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है, तो आप उसको अच्छे से फर्टिलाइजर दे दीजिए। तो जब उसके फूलों का मौसम आता है, जैसे ये मेरा वाइट वाला रेन लिली का प्लांट है, तो इसमें जो है जुलाई के बाद में इसमें फूल आते हैं। तो जो पिंक वाला होता है तो उसकी गर्मियों की शुरुआत में ही उसमें फूल आने लगते हैं। तो प्लांट जो है जब उसका सीजन होता है तभी उसमें फूल आते हैं, मगर आप अपना जो अपनी तरफ से जो उसको फर्टिलाइजर वगैरह देना होता है वो आप टाइम से दीजिए, तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। तो मेरा जो वाइट वाला है इसमें जुलाई के बाद में ही इसमें फूल आते हैं, अगस्त सितंबर में, और आते रहते हैं सर्दियाँ आने तक। और जो पिंक वाला है उसमें फूल आते रहते हैं शुरुआत से लेके एंड तक। नेक्स्ट प्लांट है देखिए, ये है पेंटास। पेंटास भी आपको 50 रुपये तक मिल जाता है। ये भी परमानेंट प्लांट होता है, और देखिए इस तरीके से इसमें भी गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। डिफरेंट कलर में मिलने वाला ये प्लांट होता है, और इसमें भी देखिए छोटी छोटी हाइट वाले प्लांट भी मिलते हैं, और बड़ी हाइट वाले प्लांट भी मिलते हैं। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, और ये भी आसानी से नर्सरी पर मिलने वाला प्लांट होता है। इसको भी बहुत ज़्यादा धूप की जरूरत नहीं होती है, 1-2 घंटे की धूप में। सर्दियों में चाहे आप इसको पूरे दिन की धूप में रख सकते हैं, सर्दियों में इसमें कम फ्लावरिंग होती है। और जैसे ही अभी मार्च का मंथ है तो इसके फूलों का जो सीज़न है वो शुरू हो गया है, और इसको 2-3 घंटे की धूप दिन भर अच्छी ब्राइट लाइट में आप रखिए, टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर दीजिए, तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है पूरे सीजन। नेक्स्ट प्लांट है जो परमानेंट है, और बहुत ही कम प्राइस में ये मिलता है, और इसकी हाइट ज़्यादा नहीं रहती है, गोलाई में फैलता है, बुशी प्लांट होता है,
मगर हाइट थोड़ी सी इसकी कम ही रहती है। तो ये है मैक्सिकन हैदर का प्लांट, और इसमें देखिए पर्पल या पिंक कलर के छोटे छोटे ढेरों फूल एक साथ खिलते हैं। इसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, 2-3 घंटे की धूप दिन भर अच्छी ब्राइट लाइट, और ज़रूरत तो पड़ने पर इसको पानी दीजिए, फर्टिलाइज़र दीजिए, तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है आपके गार्डन में। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सस्ते परमानेंट फ्लावरिंग समर फ्लावरिंग प्लांट और भी बहुत सारे होते हैं, वो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।